मेले में हाथ से बना एक से एक सामान दिख जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आने वाला एक परिवार पिछले 2 दशक से भी ज्यादा इस मेले में हिस्सा लेता आ रहा है। बेलन, तवा, फ्राई पैन, कढ़ाई यानी किचन से जुड़ा हर सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। इस सामान को तैयार किया है मेले में आए इस राजस्थानी परिवार ने। पिछले 24 साल से चित्तौड़गढ़ के बागड़ी लोहार जाति का ये परिवार सूरजकुंड मेले में हर साल हाथ से बना रसोई का सामान लेकर आता है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। परिवार के सदस्य बताते हैं कि 24 साल पहले उनके दादा मेले में हाथ से बना किचन का सामान लेकर आए थे और तब से उनका परिवार इस मेले में आ रहा है। इस परिवार के 7 से 8 लोग इस काम में जुटे हैं। इस स्टॉल पर आपको 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का सामान मिल जाएगा। 24 साल हो गए यहीं पर कर रहे हैं, तो हर साल आते हैं। घर के कितने लोग लगे हुए हैं इसमें? घर के लोग लगे हैं 7। 7 लोग? हाँ, 7-8 लोग हैं। कम से कम 300 से लेके 500-600 तक का है सामान। तक का सामान है? हाँ। यानी कि ज्यादा महंगा भी नहीं है और आसानी से लोग खरीद खरीद लेते हैं लोग। हम हो गया, छन्ना हो गया, तवे हो गए, कढ़ाई हो गई, बेलना मतलब हथौड़े हो गए, दाव हो गया, चिमटे हो गए, खुरपी हो गई। अलग अलग तरह के सामान बनाते हैं। सारा घरेलू किचन का ही सामान? हाँ, घरेलू है, मतलब घर के लिए जो काम होता है ना यूज किचन में, वो सब कुछ बनाते हैं। ये लोग खुद अपने हाथों से इन चीजों को तैयार करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद लोहे को कूटकर तैयार किए गए सामान को लोग खरीदते भी हैं और ये स्टॉल मेले में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होता है। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद।